श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। भाई साहब इतनी जोर से बोलो कि गला बिल्कुल फट जाए और गला बिल्कुल बैठ जाए। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्लोक को बड़ी ध्यान से सुनना और अगले आधे घंटे के लिए आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं श्री जगन्नाथ पुरी धाम के बारे में, आपने आज तक कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी और शायद आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं। कैन एनीवन प्लीज चेक कि लाइव जो है वो ठीक आ रहा है, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं, प्लीज चेक कीजिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट हाफ एन आवर आई एम गोइंग टू टेल यू सम अमेजिंग अनटोल्ड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट श्री जगन्नाथपुरी धाम। आप मेरे को याद रखोगे जीवन भर। जो जो श्री जगन्नाथपुरी धाम आना चाहता है, जो जो जगन्नाथपुरी धाम आने की प्लानिंग कर रहा है, ये पॉइंट्स आपको इतनी हेल्प करेंगे भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं ये, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं ये, इनका प्रणाम मंत्र बोलकर स्वागत करेंगे, उनका प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे बात बोलिएगा, नीला चले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, ओ आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ना मंदिर के दर्शन शायद नहीं करवा पाऊंगा, शायद करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप सभी कमेंट करेंगे ना जय जगन्नाथ, और अगर आप सभी कमेंट करेंगे ना जय बलदेव, और अगर आप सभी कमेंट करेंगे जय सुभद्रा, तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। क्या आनंद आ रहा है श्री जगन्नाथपुरी धाम में, मंद मंद इस समय बारिश हो रही है, व्हाट एन ऑसम वेदर इट इज, व्हाई नॉट, बिकॉज दिस इज जगन्नाथपुरी, दिस इज लॉर्ड जगन्नाथ रिलैक्सिंग पॉइंट। भगवान यहाँ पर रिलैक्स करते हैं, आनंद करते हैं, और आपको पता ही है महोदधी द ब्यूटिफुल सी इज ओवर हियर। सो लॉर्ड जगन्नाथ भगवान इस धाम में बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहते हैं। आइएगा, सभी ने जय जगन्नाथ लिखा है, सभी ने जय बलदेव और जय, सभी ने जय सुभद्रा लिखा है। बिहोल्ड योर आइस, क्योंकि आप सभी ने बड़ा प्रेम दिखाया है, और अगले आधे घंटे ध्यान से सुनना, पागल हो जाओगे, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाने जा रहा हूँ। हाथ जोड़ लो और सभी खड़े हो जाइएगा, जहाँ से भी आप लाइव देख रहे हैं स्टैंड अप, फोल्ड योर हैंड्स और प्रणाम करना, क्योंकि जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान जी के घर के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आर यू रेडी, आर यू रेडी, 1 2 3। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक इस मंदिर के अंदर, इसको श्री मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर के अंदर विराजमान है, वो इस समय आपको देख रहे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊंगा। जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं, भगवान दीवार से बाहर प्रकट हो गए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। सभी खड़े हो जाइएगा और कहते हैं भगवान का जो नील चक्र है, ओ यस आई एम बैक, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन जस्ट बी विद मी। तो मैं आप सभी को कह रहा था कि भगवान दीवार से बाहर निकल गए, आगे थे, उनको कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। अभी मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, ठीक है, बस थोड़ी देर रुके रहिए। अब सुनिएगा सम अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे ऊपर भगवान के, आप मंदिर के, आप क्या देख पा रहे हो, भगवान का मंदिर का नील चक्र। इस नील चक्र के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ, जब भी आप दर्शन करेंगे आप याद रखोगे इन बातों को। भगवान के मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है, जो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, जैसे जो वेस्टर्न पीपल हैं, है ना, जो मुस्लिम पीपल हैं, क्रिश्चियन पीपल हैं, इस मंदिर में सिर्फ सनातन धर्म के या हिंदू भक्त लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, जब भगवान के नील चक्र का दर्शन करते हैं मंदिर का, इट इज़ एज सेम एज टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हु इज इनसाइड। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी दर्शन करते थे, सीधा प्रणाम करते थे, जहां पर भी वो होते थे डंडे की तरह गिरते थे। फैक्ट नंबर वन, भगवान का जो नील चक्र है, मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूं, फिर बोलूंगा। ये देखिएगा भगवान के नील चक्र का दर्शन कीजिएगा, वाओ,
ध्वजा निकल रहा है। ओह कृष्ण, ओह माय गॉड, वी आर अगेन वेरी लकी। इस समय भगवान का ध्वजा चेंज होएगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ ध्वजा की बात करता हूँ। भगवान का ये जो नील चक्र है, इसके ऊपर आप ध्वजा देख रहे हैं। ये ध्वजा जो अभी हर दिन शाम के समय चेंज होता है श्री जगन्नाथपुरी धाम में, वी आर ऑल एक्सट्रीमली लकी, वी आर गेटिंग दर्शन्स। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, सबसे ऊपर खड़े हुए हैं वो। ये ध्वजा, इसमें तीन रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? एक होता है लाल रंग, एक होता है सफ़ेद रंग, और एक होता है लाल रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, और पीला रंग होता है भगवान के ध्वजे में। सफ़ेद रंग किसके लिए है? बलराम जी के लिए। लाल रंग किसके लिए है? सुभद्रा मैया के लिए। और जो पीला रंग है वो है भगवान जगन्नाथ जी के लिए। आप इस नील चक्र के दर्शन कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, जो भगवान का जो नील चक्र है ये अष्ट धातुओं से बनता है, इट्स मेड ऑफ 8 मेटल्स। आप भगवान के नील चक्र के दर्शन कीजिएगा। और भगवान के प्रभु जी पकड़ना जरा, भगवान के मंदिर के ऊपर जो थोड़ा ऊपर कीजिएगा, बस ऐसे रखना, ऐसे रखना, नहीं कट रहा है, नहीं बस ऐसे ठीक है। भगवान के मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है उसके ऊपर जो ध्वजा है जो इस समय चेंज हो रहा है, इस फ्लैग के अंदर एक अर्ध चंद्र और एक अर्ध सूर्य बना होता है, मतलब हाफ सन एंड हाफ मून। इसका मतलब क्या है? शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, जिस संसार में, जिस ब्रह्मांड में सूर्य है और चंद्र है, वहां वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का राज्य है। इसलिए सूरज और चंद्र बने होते हैं भगवान के ध्वजा में। भगवान के ध्वजा में सूर्य और चंद्र क्यों बने हुए हैं? भगवान बताना चाह रहे हैं, दिन में और रात में 24 घंटे के लिए मैं आपकी ओर अपनी कृपा दृष्टि लगाकर बैठा हुआ हूं। देखिएगा, हमारी आंखें इतनी छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की आंखें ह्यूज, इट्स लाइक बाइनोकुलर्स। भगवान जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, उनके पलके भी नहीं है, ऐसे रखिए प्रभु जी, उनके पलके भी नहीं है, नहीं कट रहा है मंदिर, बस मतलब भगवान एक सेकंड के लिए पलक भी नहीं झपकाते हैं, 24 घंटे आपको देखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं मंदिर के, आपको मैं ध्वजा के बारे में बता रहा था। हर दिन शाम को मंदिर का फ्लैग चेंज किया जाता है, जो इस समय अभी हो रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है इन भक्तों को जो ये सेवा करते हैं, इनको कहते हैं गरुड़ सेवक। गरुड़ सेवक क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के वाहन का नाम क्या है? गरुड़। गरुड़ जी की कृपा को प्राप्त करके भक्त ऊपर चढ़ता है, 214 कुछ फुट ऊपर चढ़ना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, 264 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है। गरुड़ सेवक कहलाते हैं। 8 साल की उम्र से इनको ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसे ये सेवा करेंगे। तो इस समय आपको दर्शन मिल रहे हैं, अभी ध्वजा चेंज किया जा रहा है, जब लग जाएगा ध्वजा मैं आपको दर्शन कराऊंगा। नील चक्र के बारे में बता रहा था। जिस प्रकार देवों के देव महादेव भगवान शंकर के मंदिर की पहचान होती है एक त्रिशूल से, उसी प्रकार जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की पहचान सबसे ऊपर नील चक्र से होती है। ये भगवान के सुदर्शन चक्र हैं। लेकिन लीला बड़ी लंबी है, कई बार मैंने आपको बताई हुई है। भगवान ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम अपने रूप में मेरे साथ नहीं रहोगे। लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ जी के गर्भगृह के अंदर रत्न सिंहासन पे जब भगवान विराजते हैं, वहां पर सुदर्शन चक्र लकड़ी के रूप में उनके लेफ्ट साइड पे रहते हैं। और भगवान ने उनको बोला था कि मेरे मंदिर के ऊपर चले जाना, जब भी कोई जगन्नाथपुरी में आएगा, जैसी आपके दर्शन करेगा, इट इज इक्वल टू टेकिंग माई दर्शन। चलिए अब कुछ और ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद आपको किसी ने सुनाई नहीं होगी और बड़ी हेल्पफुल होगी। मंदिर के बिल्कुल एंट्री पे है एक स्तंभ, आपको दिख रहा होगा, एक स्तंभ है। बहुत लोगों को लगता है ये गरुड़ स्तंभ है, नहीं, ये गरुड़ स्तंभ नहीं है, ये है अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ का मतलब क्या है? अरुण स्तंभ है, ये वैसे कोणार्क में था, कोणार्क से इसको लेके आए। और मैंने आपको कल आपको बताया था, पूरा जो उड़ीसा है इसको 4 भाग में बांटा हुआ है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, इनको भी दिखाओ, बढ़िया, बड़े बड़े प्यारे प्यारे भक्त खड़े हुए हैं। जय जगन्नाथ बोलो, बड़ा जोर से बोलो भाई, जोर से, अमरनाथ प्रभु। नहीं मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे नहीं आ रहा, पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे क्या बोलेगी, जगन्नाथपुरी से कैसी आवाज आ रही है, जय जगन्नाथ, ये वही ना बात। ओके पकड़िए प्रभु जी, थक गए, अगले आइए क्योंकि आज लंबा चलने वाला प्रभु है और मंदिर हो जाएगा, सब होगा, सब होगा, बस
तो मैं आपको बता रहा था कि जगन्नाथपुरी धाम को चार भाग में बांटा हुआ है, मंदिर को मत कटने दो, नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे रखना, बस ऐसे, नहीं नहीं फ्रंट कैमरा ठीक है, आवाज़ क्लियर आता है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था उड़ीसा को चार भाग में बांटा हुआ है। शंख क्षेत्र किसको कहते हैं, कौन बताएगा मेरे को, लेट्स सी इफ यू नो। शंख क्षेत्र कहते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम को, क्योंकि जगन्नाथपुरी शंख के आकार में है। और उसके बाद भुवनेश्वर के बारे में मैंने बताया था, भुवनेश्वर है कौन है, चक्र के रूप में, गदा है जाजपुर, और उसके बाद कोणार्क जो है वो है पद्म, ये भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म को रिजेंबल करते हैं। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और बातें आपको बताता हूँ। अरुण स्तंभ की बात कर रहा था, जैसी मंदिर के अंदर आओगे तो आपको दर्शन होंगे इस अरुण स्तंभ के। अरुण कौन है, ये सूर्य भगवान के चैरिटियर हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री पे हैं। नेक्स्ट फैक्ट, जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के ऊपर चढ़ाई करते हुए कितनी सीढ़ियां हैं, कौन बताएगा मेरे को, कौन बताएगा, 22 है ना, यस। तो जैसी आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं 22 सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां पर अनेकों संत अनेक वैष्णव आकर दर्शन के लिए अंदर जाते हैं, तो उस सीढ़ी को भी आप क्या करना, उन पौड़ियों को भी आप दंडवत प्रणाम करना। ठीक है, वेयर इज माय रजिस्टर, लेके आइए, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शायद आप ट्रैक रख नहीं पाए। ठीक है जी, पकड़ो। अब अगला पॉइंट मैं बताता हूं, और ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा और कुछ भक्तों को पता होगा, जगन्नाथपुरी में जब आप एंटर करेंगे, जब भी आप प्लान करें जगन्नाथपुरी धाम में आने का, तो हमारी जगन्नाथपुरी के एंट्रेंस पे 3 किलोमीटर की दूरी पे, 3 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं भट्ट मंगला देवी। भट्ट मंगला देवी जी कौन है, आपको जगन्नाथपुरी में एंट्री करते हुए और जब आप दर्शन के बाद बाहर जा रहे हो वापिस पुरी से, As soon as you enter into Puri, please stop to take darshans of Bhatta Mangala Devi. ये देवी कौन है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी की क्या करने आए थे, जब उनके अर्च विग्रहों की स्थापना करने के लिए आए थे, भगवान की स्थापना किसने करी है? ब्रह्मा जी ने, इंद्रदुम्न महाराज जी गए थे ब्रह्मलोक, समझ रहे हो मेरी बात को, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ब्रह्मलोक की बात हो रही है। ब्रह्मा जी को जब निवेदन किया कि आइएगा और जगन्नाथ जी को क्या कीजिएगा, उनके विग्रह की स्थापना कीजिएगा, ब्रह्मा जी जो चार मुख वाले हैं, भैया ये जगत के नाथ हैं, ये भगवान है, साक्षात भगवान है। हमारे जगन्नाथपुरी के बारे में क्या कहा जाता है, साक्षात वैकुंठ रूपम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साक्षात प्रभु जी इसको तो सीधा रखिए, साक्षात वैकुंठ रूपम क्षेत्रम अपि श्री पुरुषोत्तमम क्षेत्रम अपि क्षेत्रम च तीर्थानाम च अपि यादवम, ऐसा तीर्थ पूरे संसार में नहीं है, ये साक्षात वैकुंठ रूपम, ये पृथ्वी पे वैकुंठ है। और हमारे सनातन गोस्वामी देव जी ने कहा है, जो एक बार भी एक कदम रख लेता है जगन्नाथपुरी धाम में, उसका जन्म फिर से नहीं होता, जन्म खत्म हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, नो मटीरियल बर्थ। एक बार हाथ उठा के बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। चलिए आगे बढ़ते हुए, मैं आपको बता रहा था भट्ट मंगला जी के बारे में। जगन्नाथपुरी में एंट्री करने से पहले इन देवी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है, जब आप वहां से बाहर जाइएगा उनको फिर से प्रणाम करना, शी विल प्रोटेक्ट यू एंड शी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स इन योर ट्रैवलिंग, सेफ ट्रैवल्स। तो ब्रह्मा जी जब भगवान की स्थापना करने के लिए आ रहे थे, वो रास्ता भूल गए, ब्रह्मा जी रास्ता भटक गए, तो उस समय भट्ट मंगला देवी ने उनकी सहायता करी थी। तो टू शो हिज ग्रैटिट्यूड, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, देवी की मूर्ति जो है, मूर्ति नहीं हम कहेंगे, अर्च विग्रह जो है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुमी, मेरे को कोई शौक नहीं है मास्क उतारने का, मेरे को कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैं लाइव करूँ कोई मेरे आसपास नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं पहनूंगा तो आवाज़ ठीक से नहीं आएगी ना, इट्स वेरी कॉमन सेंस, हमें भी समझ आती है, हम भी अनपढ़ गवार नहीं है, हमें भी पता है कि भाई प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दिखा दे भाई, कोई नहीं है यहाँ, एक मैं हूँ और एक मेरे जगन्नाथ जी हैं और बाकी सब तन्हाई है, कोई नहीं है भैया। और अगर यहाँ पर खड़े भी हुए हैं, बहुत बड़ी कृपा से खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है, सभी भक्तों को, सभी भाइयों को, सभी सेवाइट को चरणों में दंडवत प्रणाम,
कैसे बोलेंगे उड़िया में, कैसे बोलेंगे कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद दादा, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद आप सेवा करने की इजाजत और परमिशन दे रहे हैं। सलाम प्रणाम एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ऑफ उड़ीसा ऑफ जगन्नाथपुरी धाम। चलिए बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, अभी तो बहुत गर्म होने वाला है मामला। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाबीर नारी वदन कमला मस्वधूप रमा शंभु ब्रह्म गणेश चरित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। थोड़ी देर और रुके रहो, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि पतित पावन जी के दर्शन कराऊंगा। जगन्नाथ जी दीवार से बाहर आ गए हैं, फोकस करो। कहाँ पर था मैं खुद ही भूल गया हूँ, मैं आपको बता रहा था बट मंगला जी के बारे में। ब्रह्मा जी ने देवी के अर्च विग्रहों की स्थापना करी, कितने हाथ हैं उनके कौन बताएगा मेरे को? 1 2 3 4 बट मंगला जी के कितने हाथ हैं? मैं भी गलत ना हो जाऊं, वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन रजिस्टर लेके आओ भैया। अरे कुछ नहीं, आजकल मेरी वीडियो तो बहुत बवाल मचने लग गए हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ। 4 ही हैं वैसे तो, देखता ही नहीं मैं, चलो छोड़ो यार। देवी के 4 भुजाओं के विग्रह स्थापना करी और देवी से कहा, हे देवी, हे माँ, आप कभी भी जगन्नाथपुरी को छोड़ के मत जाना, हमेशा यहीं पर रहना, और जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आए जगन्नाथ जी के, आप उनकी यात्रा को मंगल करना, उनको रास्ता देना, उनको सुखमय करना। हाँ सुखमय तो करेंगे जी, जगन्नाथपुरी में आके कोई दुखमय तो हो नहीं सकता, ये तो सुखमय। बारिश हो रही है भाई साहब, बारिश हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए तो आप उनके सारी यात्रा को मंगलमय करना। तो फैक्ट ये है, जगन्नाथपुरी एंट्रेंस करते हुए जब भी जगन्नाथपुरी का प्लान करें, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पे, एंट्री पे बट मंगला जी का क्या करें, आप ज़रूर दर्शन करें। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं अभी, ठीक है जी। लड़का सुबह से लेकर रात तक पढ़ता है तभी आपके बीच में आ पाता है, अनेकों अनेक शास्त्रों से पढ़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं है भाई साहब। आपको लगता है लाइव करने आ गए, डांस करेंगे, चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं है भाई साहब। इट टेक्स ए लॉट ऑफ स्टडी, अध्ययन करना पड़ता है। ओके जी, ये तो शायद आपको पता होगा, जगन्नाथपुरी धाम के जो जगन्नाथ जी के मंदिर है, कितने द्वार हैं यहाँ? 6 द्वार हैं, आई थिंक 8 हैं क्या? जगन्नाथ मंदिर के कितने द्वार हैं बोलो भाई साहब? 4 द्वार हैं। मेन एंट्रेंस जो है, जो अभी आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हो, तो थोड़ा नजदीक ही लेके जाऊंगा मैं आपको, इसको कहते हैं सिंह द्वार। सिंह द्वार इज द लायन गेट, इट इज द मेन एंट्रेंस ऑफ श्री जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद दूसरा जो द्वार है वो है अश्वद्वार। अश्वद्वार मतलब हॉर्स, अश्व स्टैंड्स फॉर हॉर्स, ये है साउदर्न गेट। उसके बाद आता है व्याघ्र द्वार, ये है टाइगर, ये है टाइगर गेट, और ये है वेस्टर्न गेट। उसके बाद आता है हस्ती द्वार, हस्ती बोल देंगे ठीक है ना, गलत तो नहीं हूँ, हस्ती का मतलब हाथी, आपको लगा हस्ती का मतलब हंसेंगे, भाई साहब उड़िया भाषा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ पर जय जगन्नाथ नहीं बोलते, जय बोलोगे तो मार खाएंगे, आपको बोलोगे जॉय, 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 सो स्वीट, जॉयो जगन्नाथ, जॉय कालिया ठाकुर, जय जग्गू दादा, ऐसे बोलते हैं है जी, जॉय कोड़ा नहीं बोलना, नहीं हम तो बोलेंगे भाई साहब, हमारे जगन्नाथ जी कुछ भी बोलते हैं, कालिया ठाकुर की जय, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, सब कुछ है हमारे, तो पिता अहम जगतो माता धाता पितामह। जगन्नाथ जी ने दादा भी बोल दिया अपने आप को, ले गीता से बता दिया, पिता अहम जगतो माता धाता पितामह, मैं ही इस पूरे जगत का माता हूँ, पिता हूँ, और पितामह का मतलब दादा, जय जग्गू दादा, तो इसलिए हम जग्गू दादा बोलेंगे। जय जगन्नाथ, जय कालिया ठाकुर, हरे कृष्णा। थोड़ा ऊपर रखो, मेरा भाई थक गया, मंदिर का फ्लैग बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, ठीक है जी, चेंज हो गया, एक बार इसको पकड़ो, वहां पर स्टैंड कर ले वो कैमरा अपनी, अगर ऐसे हो सकता है कि। चलिए सबसे पहले आप भगवान के श्री मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है उसके ऊपर जो ध्वजा है वो लग चुका है, उसके दर्शन कीजिएगा। मेरे पॉइंट्स को याद रखना, आधा चंद्र और आधा सूर्य बना होता है, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, तो आप दर्शन करो, ओ माय गॉड। और आधा सूरज और आधा चंद्र का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ सूर्य और जहाँ जहाँ चंद्र है वहाँ पर जगन्नाथ जी का राज्य चलता है उस देश में, उस ब्रह्मांड में। और जब जब सूरज और चांद रहेगा दिन में और रात में,
24 घंटे जगन्नाथ जी बताना चाह रहे हैं, मैं तो आपके और अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रख रहा हूँ। वाओ, अगला पॉइंट आइए, इसको पकड़ लो प्रभु जी, मेरा रजिस्टर दीजिए, यहाँ पर आइए प्रभु जी, थोड़ा सा ऊपर रखना। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको मंदिर के चार गेट के बारे में बताया, थोड़ा यहाँ पर आ जाएं प्रभु जी, ऐसे ऐसे आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दर्शन ऑफ द टेम्पल प्रॉपरली। अगले पॉइंट पे आते हैं, मैंने आपको बता दिया नील चक्र अष्ट धातु से बनता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, और गरुड़ सेवक उनको कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, हमारा जो जगन्नाथ जी का मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो है 65 मीटर्स का, और 10.7 एकड़ में ये पूरा जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो मैंने चार द्वार आपको बताए, रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से हैं, सिंह द्वार, उसके बाद घोड़ा है, टाइगर है, और चौथा कौन बताएगा, हाथी है। ठीक है जी, थोड़ा सा एक मिनट स्थान दीजिएगा। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवत तुम्हें। समझ रहे हो आप, जगन्नाथ जी का बर्थडे आ रहा है, और उसको कहते हैं स्नान यात्रा। क्या कहते हैं? स्नान यात्रा। और वहाँ पर पीछे आप देख सकते हो स्नान मंडप लगा हुआ है, ये जो हमारे जगन्नाथपुरी धाम की जो प्रशासन है, आप देखिए कितनी अच्छी ड्यूटी, और अभी से ही यहाँ पर रिहर्सल शुरू हो गए हैं सिक्योरिटी के लिए। सो सभी जवानों को हमारा सलूट है, प्रणाम है, जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरे को लग रहा कोई मार मुर ना दे इसलिए, जय जगन्नाथ प्रभु बोले, आपके फैन है। अच्छा, मेरे फैन तो मैं आपका फैन है, मैं आपका फैन हूँ सर। जय जगन्नाथ, आई एम फीलिंग स्केयर्ड राइट नाउ, कुछ बोलेंगे तो नहीं भाई, कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बंदे समझते हैं, बाहर के बंदे हैं, सब अपने ही बंदे हैं, पक्का ना, अपने ही बंदे, कुछ नहीं होगा, पक्का अपने ही बंदे भैया। मैं तो पहले ही बोलता आ रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में सब कुछ फैमिली अफेयर चलता है, जग्गू भी अपना बंदा है यहाँ पर, यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि जग्गू भी अपना ही है। यहाँ के लिए 2 मिनट का पॉज देता हूँ, थोड़ा दर्शन कराता हूँ पति पावन का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जगन्नाथ जी के प्रसाद दर्शन कराने पहले, हाँ क्योंकि आप बहुत देर से बोल रहे हो, ठीक है, जगन्नाथ बोले हैं मैं बड़ा नहीं, मेरा प्रसाद ही बड़ा। जगन्नाथ बोले हैं मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा प्रसाद बड़ा है, तो आइएगा। तो आप भी, मैंने भी चप्पल उतार दी आप देख सकते हो, तो आप भी क्या करें, खड़े हो जाइएगा, आपको भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के दर्शन होने जा रहे हैं। आइए प्रभु लेके आइए, श्री जगन्नाथ प्रसाद की जय। प्रभु जी आप इसको पकड़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। वाओ, जय जय हो प्रभु जी। इसको क्या कहेंगे, इस प्रसाद को, मिष्टान्न, मीठा अन्न, दिस इज अन्न ब्रह्म, दिस इज लॉर्ड जगन्नाथ। आप भगवान जगन्नाथ जी की महिमा को देख रहे हैं, भगवान जी अपने मंदिर के अंदर है, मंदिर से बाहर हम सभी के लिए अपना प्रसाद भेज दिया है, और जगन्नाथ जी से बढ़कर जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो ये इसको बोलते हैं मिष्ठान अन्न, कानिका बोलते हैं अभी, ठीक है। जगन्नाथ जी का फेवरेट खिचड़ी कौन सी है इसमें, फेवरेट क्या, सभी फेवरेट है, सभी उनका कर्मा बाई का जो फेवरेट खिचड़ी, ये बताइए खिचड़ी कहाँ है इसमें, खिचड़ी राजभोग में मिलता है, राजभोग में मिलता है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे प्रभु जी इसको, महुर, ये खट्टा होता है, नमकीन होता है, कैसा होता है, नमकीन होता है, नमकीन, तो इसमें ये नमकीन प्रसाद है, ये मीठा मीठे चावल है, ये नॉर्मल चावल है, इसको क्या कहते हैं आप, बेसर, मस्टर्ड वाला ब्लेंड, अच्छा ये बहुत टेस्टी होता है, बेसर सही बोला मैंने, ये ना थोड़ा मस्टर्ड टेस्ट होता है, दिस गिव्स दिस प्रसाद नेक्स्ट लेवल, मतलब जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो मैं क्या बोलूं आपको, तो आइएगा प्रभु जी, जरा पकड़ेंगे आप, मैं जरा एक मिनट माइक ठीक कर लेते हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आप फॉलो करिएगा, है क्योंकि कल निर्जला एकादशी था, ठीक है जी, और आज द्वादशी के दिन भगवान जगन्नाथ जी ने अपना प्रसाद हमें दिया है, एक दाना भी भगवान जगन्नाथ जी का रूप है,
भगवान जगन्नाथ जी ने अपने द्वादशी के प्रसाद के रूप में अपना साक्षात प्रसाद ही भेज दिया है। इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ी अनुकंपा जगन्नाथ जी की ओर से हमारे लिए, हम सबके लिए हो नहीं सकती है। मैं इस समय इस प्रसाद को स्वीकार कर रहा हूँ, ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के प्रसाद को। मैं लायक नहीं हूँ कि मुझे ये प्रसाद मिल भी जाए, हम तो बहुत नीच हैं, हम तो बहुत मूर्ख हैं, अपराधों से भरे हुए हैं, लेकिन गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा के कारण, श्रील प्रभुपाद जी कृपा के कारण, समस्त वैष्णवों की कृपा के कारण, मैं आप सभी की ओर से इस प्रसाद को इस समय श्री जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ मंदिर के श्री मंदिर के सामने खड़े होकर इसको मैं इसका प्रसाद भगवान का भोग अभी खाने जा रहा हूँ। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ प्रसाद जी की बात ये है, जगन्नाथ जी के प्रसाद खाने के बाद कभी भी हाथ मत धोना, हाथ नहीं धोए जाते हैं, समझ गए आप? ये बड़ी बात इम्पोर्टेंट याद रखना, जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी झूठा नहीं होता, समझ लियो। जिस पेट में आप प्रसाद खा रहे हो ना, आप अचानक थोड़ा सा दे सकते हो और किसी का मांस उतार सकते हो और आप उनको ऐसे खिला सकते हो, और जब वो खा ले फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चावल लेके इसमें थोड़ा मस्टर्ड वाले का नाम क्या है, बेसर, बेसोरा, आप दूसरे भाई को भी खिला सकते हैं, ये देखो ऐसे, सही है कि नहीं है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शांति भाई को बुला सकते हो, शांति भाई जल्दी आओ, भाग के आओ। जगन्नाथ प्रसाद नेवर गेट्स झूठा, कभी झूठा नहीं होता। ये देखो खा लिया, तीन भक्तों ने खाया है, अब आपका ये दास फिर से खा रहा है, क्योंकि मेरे को बेसोरा बहुत पसंद है, मस्टर्ड वाला था ऐसे। उसके बाद आप भी आधा प्रोली, बड़ी देर से इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था, किधर आओ मेरे पास आओ, ये लो, जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ। This prasad I am honoring on your behalf. I am not worth having this much mercy. बस आप समझ लीजिएगा, आप सब इस समय मेरे साथ हो और आप सब सिर्फ देख नहीं रहे हैं। ये सेवा सिर्फ हमें लाइव आने के लिए नहीं होती है, ये सेवा ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि जगन्नाथपुरी धाम की क्या महिमा है, क्या आनंद है। ठाकुर जी के प्रसाद के आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, खड़े हो जाइएगा, अपने स्थान से प्रणाम कीजिएगा, थोड़ा सा देख तो लो भैया एक बार, भाई प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है, कर सकता हूँ मैं? पूरा ले लो, पूरा ले लूँ? आप ही के लिए लाए हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरी बोल। ओके नाउ कैन यू होल्ड दिस, आगे बढ़ते हैं। जब आवाज का मान क्योंकि देखना आप सीन ठीक आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और अगर आवाज कम आने लग जाएगा, मंदिर तो नहीं कट रहा है, मंदिर एक कटना चाहिए, जब आवाज कम आ जाए तो कमेंट कर देना, मेरा रजिस्टर दे दीजिए। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। ये जो प्रसाद के दर्शन अभी आपने करे और जो हम सभी ने मिलके खाया है, मैंने आपको याद करते हुए खाया है, इस प्रसाद को खाने के लिए भगवान शिव जी की और नारद के बीच में लड़ाई हो गई थी, उसके बाद भगवान शिव जी की और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती के बीच में लड़ाई हो गई थी कि आपने मेरे लिए प्रसाद नहीं रखा, थोड़ा ऊपर तो नहीं आएगा कोई, ये बहुत लंबी, पीछे चले जाइए, ये बहुत एक लंबी कथा है, मैं कथा फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि नारद मुनि जो हैं वो जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको मिल गया था, तो नारायण नारायण कहते हुए वो जगन्नाथ जी के कीर्तन कर रहे थे, कैलाश पर्वत पहुंच गए, नारद भगवान शिव जी ने देखा कि इन इतने खुश क्यों है, उन्होंने बताया मेरे को जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया, मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए, तुम तो मेरे भाई हो, अरे अरे मैं तो भूल गया। फिर अचानक उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक दाना चावल का लगा हुआ था नाखून के बिल्कुल टिप पे, तो भगवान शिव जी ने, ये देवों के देव महादेव हैं, उसको भी उठा के खा लिया, आनंद से झूमने लग गए। जगन्नाथ जी का प्रसाद की महिमा बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, ये तो अनंत है, फिर कभी बताऊंगा। झूमने लग गए, नाचने लग गए, जय जगन्नाथ कीर्तन करने लग गए। माता पार्वती ने देखा बड़े खुश हो रहे हैं मेरे आराध्य आज, उन्होंने इसका कारण पूछा, उन्होंने कहा मेरे को आज जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का
चतुर्भुज हो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ। मेरे को जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मिल गया। आपने मेरे लिए रखा, धर्म पत्नी का तो आधे हिस्से पे सारा का सारा अधिकार होता है। भगवान शिव जी ने बोला कि मैं तो भूल गया, मैं भूल गया। बड़ी नाराज हो गई। हमारे पार्वती माता बोली मैं तपस्या करूंगी और इतनी तपस्या करूंगी कि भगवान जगन्नाथ को खुद आना पड़ेगा और अपना प्रसाद उनको सिर्फ मेरे को नहीं सभी जीवों को प्रदान करना पड़ेगा। तो ये जो प्रसाद हमें प्रदान मिल रहा है, ये जगन्नाथ, दुनिया में सबसे बड़ी रसोई किसकी है? हमारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की है। 6,000 तो यहाँ पर पुजारी हैं, सेवाएट हैं, 6,000 हैं टोटल, समझ रहे हो आप। और ये देखो, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताने के लिए मैंने शेयर लिखे पॉइंट्स नोट करे हुए हैं। कितनी प्रकार की सब्जियाँ खाते हैं हमारे जगन्नाथ जी डेली? हाँ जी, 56 प्रकार की सब्जियाँ, भोग, 56 प्रकार के भोग खाते हैं। लेकिन मैं आपको जरा था बताता हूँ कि कितने प्रकार की वो खाते हैं सब्जियाँ और कितनी प्रकार की मीठे मिठाई वो खाते हैं। हाँ, 14 प्रकार की सब्जियाँ खाते हैं भगवान जगन्नाथ जी, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ 14। 11 प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं अंदर भगवान जगन्नाथ जी की रसोई के अंदर। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आनंद बाजार चल रहा है क्या अभी? आनंद बाजार और पूरा जगन्नाथ जी का मंदिर सिर्फ सेवाइटों के लिए चल रहा है। अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए वो ही जा सकते हैं, बाहर से ये फेस्टिवल को बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता इस समय। इसलिए तो मैं कहता हूँ सबसे कृपालु जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ है। कोविड की वजह से हम तो अंदर जा नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा भगवान है जो अपने गर्भगृह को छोड़ के बाहर आ जाता है? माता जी टाइम लगेगा अभी, है ना, अगर आप वेट कर रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा, फोटो, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कोविड के कारण सारे मंदिर बंद हो रहे हैं तो भगवान भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी 24 जून को स्नान यात्रा के लिए क्या कर रहे हैं भगवान? तो आवाज़ कम आ रहा है, इसको पकड़ लो, मैं ऐसे बोल देता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज़ में दिक्कत आ रही है, होता है मेरे साथ कभी कभी। तो मैं ये कह रहा था कि सारे मंदिर में जो भगवान जी हैं इस समय कोविड के कारण भक्त लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं जगन्नाथ जी सबसे कृपालु हैं। ये भगवान जी अपने मंदिर से बाहर आएंगे और वहाँ पर स्नान मंडप पे, वो स्नान मंडप है, 24 तारीख भगवान जगन्नाथ जी का बर्थडे है। सो गेट रेडी टू सेलिब्रेट द बर्थडे बॉयज बर्थडे पार्टी। ये जगत के नाथ है, इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। स्नान मंडप पे 108 कलश के साथ भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक कराया जाएगा। सोने के कलश होंगे। भगवान जगन्नाथ जी को क्या हो जाएगी, उसके बाद सर्दी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, और सर्दी जब लग जाएगी उसके बाद उसको कहते हैं अणस्वर। अगले 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। पूरे साल भर ब्राह्मण उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इन अगले 15 दिन के लिए सबसे पहला क्वारंटीन हमें सिखाया, किसी और ने नहीं, किसी देश ने नहीं, जगन्नाथ जी ने हमें क्वारंटीन सिखाया है। 14-15 दिन के लिए भगवान अपने आप को बंद कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड क्वारंटीन। द ओरिजिनल क्वारंटीन केम फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ। तो 15 दिन के लिए भगवान अणस्वर इसको कहते हैं। तो ब्राह्मण लोग उनकी सेवा नहीं करते हैं, दैत्यपति, दैत्यपति जो हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको जड़ी बूटियाँ देंगे, उनका 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 इलाज करेंगे। और मैं थोड़ी और अंदर की बात बताता हूँ आपको, भगवान जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी की और बलराम जी का क्या होगा। लाइक इन आवर लैंग्वेज हम समझते हैं पेंटिंग या मरम्मत, क्योंकि वो रथ यात्रा के लिए निकलेंगे। काजल, काजल का प्रयोग किया जाता है भगवान जगन्नाथ जी का, जो आप ब्लैक रंग जो है ना जो लगाया जाता है। हल्दी का प्रयोग किया जाता है माँ सुभद्रा का रंग को ठीक करने के लिए। ऐसे ही मोतियों के जो चूरा है उसका प्रयोग किया जाता है भगवान बलदेव जी के वाइट रंग जिसका है ना लगाने के लिए। दीज पॉइंट्स नो वन मस्ट हैव टोल्ड यू, नो वन। मेरा मास्क देना, मैं थोड़ा सा मेरा मास्क देना, मेरा मास्क देना प्रभु। मैं थोड़ा सा और प्रभु जी पकड़ना, मैं थोड़ा सा और नज़दीक लेके जाता हूँ आपको, बड़ा मुश्किल है भैया। जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी, नयन पतगामी भवत तुम्हें। अभी तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी तो बताया कुछ नहीं है। चलें क्या वहाँ? चलें, चलो चलो छोड़ो रुक सकते हैं।
और 100 रुपया दे दियो तीनों का हो जाएगा। फटाफट से पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये भगवान जगन्नाथ जी दीवार से बाहर निकल गए हैं और बिल्कुल एंट्रेंस पे, अरुण स्तंभ के बिल्कुल एंट्री पे हैं। ये देखिए, दर्शन कीजिए। जय हो। वाह, इनको कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जी नहीं है जो मेन डीटी है भगवान जगन्नाथ जी, ये तो वो तो अंदर है, उस मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं रत्न सिंहासन पे। दिस इज पतित पावन जगन्नाथ, इवन मोर मर्सीफुल देन दैट जगन्नाथ हुज इनसाइड। भक्तों के लिए भाग कर आगे गर्भगृह से, अंदर से और दीवार से प्रकट हो गए। अनेकों लीलाएं हैं पतित पावन जगन्नाथ जी के, अपने भक्तों के भोग स्वीकार करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। और जो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं वो पतित पावन के दर्शन करते हैं। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। जय श्री पतित पावन जगन्नाथ जी की जय हो। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा, अपनी अपनी प्रार्थनाएं लिख लीजिएगा। यू कैन राइट योर प्रेयर्स, आई विल रीड ऑल योर प्रेयर्स। एंड रिमेंबर ऑल माय जीकेडियन, स्पेशली मैं आपको याद कर रहा हूँ। इस समय खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा भी अगर हो पा रहा हूँ अपने माता पिताजी की कृपा के कारण, उनके चरणों में प्रणाम, उनके ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। फ्रॉम ऑल दी सन्यासीज, फ्रॉम ऑल दी डिवोटीज, आई एम प्रेइंग एंड ऑफरिंग योर प्रेयर्स टू लॉर्ड जगन्नाथ। मे ही कॉल यू वेरी वेरी सून टू जगन्नाथपुरी धाम। चलिए, चलिए यही यही बोल दे क्या, थोड़ा वहाँ चलिए आ जाओ। वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। आवाज़ कम आता है, आप इसको ऐसे पकड़ लो बस, और मेरा रजिस्टर दे दीजिएगा। मंदिर आ जाए ऐसे बस, ठीक है। मैं 10 मिनट और लूँगा क्योंकि आपको ये पॉइंट्स बताने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बहुत, प्रभु जी इसको हिलाना मत, मंदिर कट जाता है। मैंने बहुत देर से तैयारी करी है, सुबह से लेकर अभी तक मैं पढ़ रहा था, तो ये सारे नहीं, ठीक है प्रभु जी, अब मत छेड़ो। मैं कोई आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं ताकि जब आप जगन्नाथपुरी आएँ, आपकी यात्रा इतनी मंगलमय हो, आप हमेशा याद करें कि इतना कुछ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मैं बता रहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, पूरा मंदिर ये है 10.7 तो जी, आप इसको ऐसे रखना, 10.7 एकड़ में, चलो छोड़ो ऐसे रख लो, 10.7 एकड़ में फैला हुआ है। और इट इज़ द लार्जेस्ट किचन ऑफ द वर्ल्ड। 10 डेली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों के लिए वो प्रसाद बनाते हैं अंदर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100,000 लोगों को तो वो डेली प्रसाद खिला सकते हैं। जगन्नाथ जी डेली 100,000 लोगों के लिए प्रसाद तो आराम से खिला सकते हैं, और वो तो पूरे जगत के नाथ हैं, वो तो पूरे संसार को, एक चींटी को भी खिला रहे हैं। फेस्टिवल्स पे अराउंड 2.5 लाख लोग प्रसाद खा लेते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है। जय जगन्नाथ। अगले पॉइंट पे आइएगा। जगन्नाथ जी के मंदिर में 36 ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, जिसको कहते हैं छत्तीसा नियागा, नियोग, ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है नियोग, नियोग। तो दीज आर 36 ट्रेडिशनल, एक मिनट बोलिए, थोड़ा ऐसे आपको सब कुछ भी खोना पड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, आप जगन्नाथपुरी से आप दर्शन कर रहे हैं। 36 ट्रेडिशनल व्हाट यू कॉल कम्युनिटीज, दे सर्व लॉर्ड जगन्नाथ। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 6,000 प्रीस्ट ऑफ लॉर्ड्स टेम्पल। मेन टेम्पल इज सराउंडेड बाय 30 डिफरेंट टेम्पल्स। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है इसके इर्द गिर्द 30 मेन टेम्पल्स हैं, जैसे अष्ट शंभु, भगवान शिव जी के 8 मंदिर हैं, अष्ट महावीर, भगवान हनुमान जी 8 रूपों में अलग अलग पूरे मंदिर के आसपास सेवा कर रहे हैं, अष्ट शक्ति दुर्गा देवी 8 रूपों में जगन्नाथ जी की सेवा में क्या है, उपस्थित हैं। तो जी बस बस ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देर इज़ ए नरसिंह टेम्पल, भगवान नरसिंह देव जी का एक मंदिर है। कहाँ पर है? इट इज़ एडजस्टेंट टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द मुक्ति मंडप। और कहा जाता है कि ये भगवान नरसिंह देव जी का मंदिर जगन्नाथ मंदिर से पहले का है, ठीक है जी। उसकी लीला बड़ी लंबी है, फिर कभी बताऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको अरुण स्तंभ के बारे में बताया। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो 22 सीढ़ियाँ आएंगी, ठीक है जी। उन 22 सीढ़ियों का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ।
बाईस पातशाह, ठीक है, ऐसे उड़िया में बोलते हैं। तो अंदर जाएंगे तो आएगा, जब मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आएंगे गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ सभी वैष्णवों के लिए, सभी भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बड़ी ध्यान से सुनना, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें किसी से भी पूछ लेना कि गरुड़ स्तंभ कहाँ है, वैसे आपको दिख जाएगा। उस गरुड़ स्तंभ के जब आप निकट पहुंच जाओगे आपको दर्शन होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। जय गौर जय कृष्ण सही जगन्नाथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। कृष्ण वर्णन त्वषा कृष्ण संग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम आए तो उन्होंने गरुड़ स्तंभ पर ऐसे हाथ पकड़ के वो इतने प्रेम भाव से दर्शन कर रहे थे भगवान जगन्नाथ जी का कि गरुड़ जो गरुड़ स्तंभ के साथ में वो दीवार है ना, उनके जो चिन्ह है उनके उंगलियों के चिन्ह, ही वॉज लाइक दिस, ही वॉज होल्डिंग द गरुड़ स्तंभ और उनका एक हाथ ऐसे था और वो ऐसे जगन्नाथ जी को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जो दीवार है ना वो पिघल गई। आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि सचिनंदन सची सूत हमारे गौरंग महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस दीवार पे आप दर्शन कर सकते हो। साथ ही गरुड़ स्तंभ के नीचे साइड में एक छेद भी है, गौरंग महाप्रभु के आंसू उनके अश्रु जो हैं वो गरुड़ स्तंभ को पकड़कर दीवार को ऐसे छूकर जगत के नाथ जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे। तो हिज टीयर्स ड्रॉप्ड ओवर देयर, आप उनके दर्शन जरूर करना। गौर हरि गौरंग महाप्रभु जो साक्षात हमारे शास्त्र में वर्णन आता है, एक है चल जगन्नाथ एक है अचल जगन्नाथ। आप मेरी टी शर्ट पे भी देख सकते हो, ये जगन्नाथ जी हैं और ये गौर सुंदर गौर हरि अष्ट। गौरंग महाप्रभु ने कई बार अपने भक्तों को अद्वैताचार्य है ना और गदाधर पंडित जी को, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर जी को षडभुज गौरांग के दर्शन दिखाए। सुना है आपने षडभुज गौरांग? षडभुज गौरांग जब चैतन्य महाप्रभु दो हाथ में कृष्ण बने हुए हैं, दो हाथ से उन्होंने, एक हाथ से उन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है और एक हाथ में बाण पकड़ा हुआ है, तो मतलब राम जी का अवतार दिखाया, और एक हाथ में कमंडलू और एक हाथ में डंडा, इसको कहते हैं षडभुज गौरांग। वही गौरांग महाप्रभु दर्शन करने के लिए जब जगन्नाथपुरी में आए जगन्नाथ जी के तो गरुड़ स्तंभ से दर्शन करते थे। ठीक है जी, अगला पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। मंदिर के जब अंदर आप जाएंगे तो एक है सोना कुआं। सोना कुआं क्या है? प्रभु थोड़ा सा तो टेढ़ा हो रहा है, आप देखो, खुद देखो टेढ़ा है, आपको एक्सपेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, अभी भी टेढ़ा है वो, हाँ बस ठीक है जी, इतना आसान नहीं है मेरा कैमरामैन बनना, यू नीड गट्स ब्रो। जय जगन्नाथ। मंदिर के अंदर है एक सोना कुआ। सोना कुआ है क्या? यह स्नान मंडप, उस स्नान यात्रा भगवान का अभिषेक होगा, उनका बर्थडे, जो जल जाएगा वो सोना कुआ से निकलकर भगवान जी का 108 सोने के कलश के साथ स्नान किया जाएगा, वो सोना कुआ है, उसके दर्शन भी आप करें जब आप आए। उसके बाद अगला जो दर्शन है जब आप मंदिर के अंदर, ये मंदिर के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? कोयला वैकुंठ। कोयला वैकुंठ अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जगन्नाथपुरी आ रहे हैं प्लान कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। कोयला वैकुंठ, जय अमरनाथ भाई आ गए हमारे, कभी भी आ सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे अमरनाथ भाई। एक बार अपने दर्शन दो ना, एक बार जय जगन्नाथ बोल दो ना सब, जय जगन्नाथ, बस इतनी आवाज़ सुनने को मिलेगी आपको इनकी, जय जगन्नाथ। बहुत हेल्प कर रहे हैं अमरनाथ भाई, बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पर हैं, हैं जी, देवी भाई हैं, शांति भाई हैं, भक्त लोग हैं। आपका नाम क्या प्रभु? बुल्लू भाई हमें देख रहे हैं, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, और पायल माता जी भी देख रही हैं, बहुत उन्होंने प्रसादम की व्यवस्था ठीक रखी हुई है। जय हो, जय जगन्नाथ बोलो, ठीक है आगे कंटिन्यू करो प्रभु, पाँच मिनट और, जय जगन्नाथ। मेरा कैमरा मैन ऐसे हो रहा है, टेढ़ा हो गया उनका हाथ, लेकिन आपको तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे सुनिएगा, कोयला वैकुंठ है मंदिर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्शन जब आप जाएं। कोयला वैकुंठ का मतलब क्या है? स्नान जब नव कलेवर होता है, नव कलेवर केवल एक ही ऐसे भगवान है पूरे ब्रह्मांड में जो अपने शरीर को चेंज करते हैं, आप समझते हैं, या अगर आप बोल दो त्यागते हैं चेंज करते हैं साथ के साथ नया शरीर, उसको कहते हैं नव कलेवर। मंदिर बिल्कुल चला गया, मंदिर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं भैया, मेरे शक्ल को किसी को नहीं देखना, मंदिर के दर्शन होने चाहिए, ठीक है जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, नहीं बिल्कुल ठीक है, मंदिर के अंदर आप जा के दर्शन करना कोयला वैकुंठ का, ड्यूरिंग नव कलेवर भगवान जगन्नाथ जी के जो विग्रह है जो चेंज होने हैं उनको
उस मिट्टी के अंदर वहां पर गाड़ा जाता है, ठीक है। और जो नए डीटीज हैं उनकी भी जो जो उनको बनाया जाता है वो भी इसी स्थान पर बनाया जाता है, जिसको कहते हैं कोल वैकुंठ। अगला आगे बैठ आगे बताते हैं, मंदिर के अंदर दर्शन करें कल्पवट। प्रभु जी मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ और आप भी बताना और अंदर और क्या दर्शन कर सकते हैं। मैं तो बड़े जल्दी से बताना चाह रहा हूँ लेकिन जो मैं स्किप कर दूं। मंदिर के अंदर है कल्पवट। कल्पवट है, कल्प का मतलब थाउजेंड, हजार, ठीक है, और वट मतलब वृक्ष। ये एक बैनियन ट्री है और कहा जाता है यहाँ पर इस वृक्ष पे आकर लोग धागे बांधते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और कल्पवट आपके हर प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कल्पना करते हैं, कल्पना जो भी आप कल्पना करोगे, जो भी आप कल्पना करोगे, कल्पवट वृक्ष को ऐसे हग करते हुए आप अपनी प्रार्थना करना, वो पूरी होकर ही रहेगी। और एक और बात बता दूं, शायद आप भक्तों को पता ना हो, कुछ भक्तों को पता होगा, हमारे मुकुंद, हमारे गोविंद, हमारे छोटे से कन्हैया अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूसते हुए, ठीक है ना, कौन से ऋषि ने दर्शन किया था? मार्कंडेय ऋषि ने। जब इस संसार, इस ब्रह्मांड का, पृथ्वी का प्रलय हो रहा था इस युग से पहले, बट कृष्ण, हाँ, क्या नाम है? क्या बोलेंगे उनको? बट कृष्ण आपका नाम है यार, आज तो आनंद आ, इधर आ जाओ। बट कृष्ण चप्पल भी उतार दी, देखो रिस्पेक्ट, देखो सभी बट कृष्ण को हरी बोल बोलो, जय जगन्नाथ बोलो, कुछ उड़िया में बोलो, क्या भाई उड़िया, उड़िया अच्छे, जगन्नाथ ब्रो कुछ और उड़िया में, तो ब्रो तो इंग्लिश हो गया, उड़िया में सबको बोलो कि जगन्नाथपुरी धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है, जब भी जगन्नाथ आप प्रार्थना कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी सबको बुलाएं जल्दी, उड़िया में तो नहीं बोल सकते हम आपके जैसे, नहीं उड़िया में बोलना है, उड़िया इवन आउट कॉप सर से बोलो, बोल के दिखाओ, उड़िया 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 क्या, ये आपको ये कहना है कि जगन्नाथपुरी धाम में आप सभी भक्तों की ओर से प्रार्थना करते हैं भगवान आप सभी को जल्दी बुलाएं, बस ये उड़िया में बोलो, मैं जगन्नाथ धाम से खुद उड़िया उड़िया मुझे निजे प्रार्थना करछि जगन्नाथ का धाम रु आपण मानु को जल्दी जगन्नाथ डाकंतु। हां और कुछ बोलना है आपको? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, कैमरा शॉट, ओके आप बोल दोगे, बोलो आओ जो आपके मन में आया जगन्नाथ जी के लिए उड़िया में, प्रभु जी आप बोलो कुछ, थोड़ा बोलो सभी भक्तों के लिए, पूरे संसार से लोग देख रहे हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ धाम पवित्र धाम, ये जगन्नाथ संसार वासी को, जगत ठाकुर जगन्नाथ संसार वासी को रोग भद्र कर, कोरोना मुक्त करंतु, समस्ते सुखरे रहंतु, समस्ते सुखरे रहंतु, जय जगन्नाथ, जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। जो मैं समझ पाया हूँ उड़िया में बोला, लेकिन सर ने बोला कि जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ है और वो समस्त सभी भक्तों के दुख को हरेंगे और कोरोना वायरस जो है ये सारा का सारा भगवान जगन्नाथ जी एकदम नष्ट कर देंगे, सबको आशीर्वाद अपना प्रदान करेंगे। और वैसे भी जगत के नाथ अपने मंदिर से बाहर आ रहे हैं, स्नान मंडप पे बैठेंगे 24 जून को, जब ये बाहर आ जाएंगे कोरोना तो निकल लियो भाई, सब सब हुआ, सब आए, सब फेस्टिवल हो रहे हैं, लेकिन अब किसकी बारी है? अब है जगत के नाथ जगन्नाथ जी की बारी है। आप समझ रहे हो, जगन्नाथ जी का नाम लेता हूँ ना, ये बाइसेप्स भी कहीं और पहुंच जाते हैं, लश्कर में मारने लग जाते हैं बिना बात पे, ठीक है जी। एनीवेज जय जगन्नाथ प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु, जय 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 जगन्नाथ। तो कोयला वैकुंठ नव कलेवर जहाँ पर होता है। अगला बटमंगला बता दिया मैंने आपको, कल्प बट बता रहे थे कि भगवान अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने ये दर्शन किए, पूरा प्रलय हो रहा था, गोविंद ने बोला, मुकुंद ने बोला और जगन्नाथ जी भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन वेरी केयरफुल, जगन्नाथ जी सेज टू यमराज जी को कहा उन्होंने, आई एम द जज ऑफ दिस प्लेस, मैं इस स्थान का मैं जज हूँ, यमराज जी का कोई काम नहीं है यहाँ पर, जगन्नाथ जी डिसाइड करते हैं अपने पूरी के भक्तों का क्या पुण्य है क्या पाप है, जगन्नाथ जी सेज आई एम दी इंचार्ज, यमराज तुम्हारा काम बहुत और कभी कोई किसी देश में किसी भी संसार में हो सकता है, जगन्नाथपुरी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जगन्नाथ जी को ये स्थान इतना प्रिय, इतना धाम प्रिय, उन्होंने अपना नाम दिया इस धाम को, इस स्थान को पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम भगवान का एक नाम है, भगवान ने बोला ये स्थान मेरे से अभिन्न है, जगन्नाथपुरी इज जगन्नाथ, जगन्नाथ गेव हिज ओन नेम, जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म है, अन्न में प्रवेश करके जानते हैं माला नहीं करेंगे, जानते हैं साधना नहीं करेंगे, जानते हैं तपस्या नहीं करेंगे, लेकिन प्रसाद तो खाएंगे,
भोजन तो खाना पड़ेगा। भगवान अन्न के अंदर प्रवेश कर गया, अन्न तो खाएंगे, जैसे अन्न खाएंगे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अन्न ब्रह्म दारू ब्रह्म, लकड़ी में भगवान प्रवेश कर गए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान थोड़ी ना होता है, भगवान थोड़ी ना होता है, भगवान थोड़ी ना होता है। जगत का नाथ आया, लकड़ी में प्रवेश कर गया, नाम पड़ गया दारू ब्रह्म। क्या बात कर रहे हो यार, मजाक ना करो मेरे साथ बिल्कुल भी। जय हो। ओके नेक्स्ट पॉइंट, कुछ छूट ना जाए ना प्रभु जी, ऐसे थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और ओए होए प्रभु महोदधि, ओह जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में जो कुछ ओशन बोलते हैं, कुछ सी बोलते हैं, और आप लोग तो बीच बोलते हो, बीच बोलते हो, महोदधि इज द ओशन। कल सुबह GKD 9 बजे आपको लेके जाएगा सी की ओर, महोदधि। लेट्स गो टू द बीच, वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। कल सुबह 9 बजे लाइव आऊँगा फ्रॉम द बीच ऑफ पुरी, जिसको हम महोदधि कहते हैं। सुबह 9 बजे मिलेंगे, ऐसी छलांगे मारेंगे, ऐसे मज़े करेंगे। तो महोदधि जब आप आएँ, यू कैन नॉट रेजिस्ट। जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को लेकर निकल रहे हैं। कल शादी था ना, शादी वाले बाद वाले, इसको बुआली प्रोसेशन बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ होता है शादी वाले दिन बाद। चलिए मैं समझ गया, अब इससे ज़्यादा कृपा क्या करेंगे जगन्नाथ जी। कल जगन्नाथ जी की शादी थी, निर्जला एकादशी थी और शादी भी थी। इस समय भगवान इस समय कौन आ रहे हैं बाहर? मदन मोहन जी और लक्ष्मी जी। इस समय मदन मोहन जी और लक्ष्मी जी अपने मंदिर से बाहर आ रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड हु मदन मोहन जी इज? ही इज द चलो जगन्नाथ चलन प्रतिमा। हाँ, आई नो चलन प्रतिमा। जब जगन्नाथ जी डज नॉट कम आउट एवरी डे, मदन मोहन जी कम्स आउट एवरी डे। मैं आप थोड़ा सा आपको दर्शन कराता हूँ। तो भक्तों ने कहा है कि ये आज लीला हो रही है कि शादी के बाद होता है, राजा के घर में जाने के एक रीति होता है, और भक्तों के घर में जाके घूम के। अच्छा, मदन मोहन जी मतलब जगन्नाथ जी इस समय राजा के घर जा रहे हैं। प्रसाद नहीं, प्रसाद करेंगे, राजा के घर जाके प्रसाद खाएंगे। प्रसाद नहीं, भोग खाएंगे। प्रसाद वो खाएंगे, प्रसाद होगा खाने के बाद। हाँ जी हाँ जी, वही बात बोल रहे हम। तो जगन्नाथ जी मदन मोहन के रूप में राजा के घर जा रहे हैं। नई नई शादी हुई है भाई साहब, हैं जी, शिशुपाल को थोड़ा सा सबक सिखाया है, हैं जी। रुक्मी ने शादी करानी थी शिशुपाल से, शिशुपाल के तो लगे चांटे। मदन मोहन जी के चलो दर्शन कीजिएगा प्रभु, इससे ज़्यादा कृपा हमें मिल नहीं सकती है। लाइव फ्रॉम श्री जगन्नाथपुरी धाम, शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। मेरे को बता देना भगवान जी कहाँ हैं, मैं तो इतना सामर्थ्य नहीं हूँ कि मेरे को तो आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ, शेकिंग। सभी प्रेयर्स, लेट्स ऑफर प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदन्तिकम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। हे मदन मोहन जी, हे जगत के नाथ, स्वामी जगन्नाथ, सभी भक्तों को जो आपको इस समय आपके दर्शन कर रहे हैं पूरे विश्व से, पूरे संसार से, प्रभु आप उनके ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बरसाए रखें। जगन्नाथ जी, हम सभी भक्त मूर्ख हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, हमें अपने चरणों के नज़दीक रखें, कभी भी हमें अपने से दूर ना करें प्रभु। आश्रिष्य पपाद रतम पिनष्टम मद अर्शनम करो तो वह यथा दधात विदधातु लंपटो मत प्राणायास्तु एव नापर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड, मैं क्या बोलूँ आपको, दर्शन देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री मंदिर, लुक एट द ब्लू स्काई, नीलाचल कहते हैं, नीलाद्री कहते हैं। ही सिट्स ऑन द ब्लू माउंटेन, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, श्री जगन्नाथ फ्रॉम जगन्नाथपुरी धाम।
नीला चक्र के दर्शन कीजिए, ध्वजा के दर्शन कीजिए, श्री मंदिर के दर्शन कीजिए। लास्ट टाइम अभी के लिए मैं आपको पतित पावन के दर्शन कराने जा रहा हूँ। कल का प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा, सुबह 9 बजे मैं लाइव आऊँगा महोदधि फ्रॉम द सी, फ्रॉम द पूरी बीच। वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे, स्नान करेंगे, है ना। वी गोना हैव अ ब्लास्ट ओवर देयर टुमारो 9 AM विद योर वेरी ओन GKD। एंड बाकी सारे ये है स्नान यात्रा, स्नान मंडप। अभी इस समय कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए जगन्नाथ जी को सबसे कृपालु कहा जाता है। भगवान बाहर आएंगे 24 जून को, यहाँ पर बैठेंगे। इमेजिन लॉर्ड जगन्नाथ कमिंग आउट। इसी मोमेंट के लिए हम सब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। मैं भी इसी के लिए आया हूँ। मेरे तो दर्शन हो गए जगन्नाथ जी के। ये मैं इतना लायक नहीं था कि मेरे को इतने भी दर्शन मिल जाएं, लेकिन प्रयास करेंगे कि जगत के नाथ जगन्नाथ जी जब अपने स्नान मंडप पे द बर्थडे बॉय जब यहाँ बैठेंगे तो आपको दर्शन लाइव करा सकूं। पूरी प्रयास रहेगी। उसके बाद 15 दिन के लिए अनास्वर होगा, है ना। और भगवान के दर्शन होते हैं अलरनाथ में। मैं आपको अलरनाथ लेके गया हुआ हूँ, लेकिन वहाँ के पुजारी मेरे को फिर से बुला रहे हैं। तो मैं जब भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं 15 दिन के लिए, उनके दर्शन होते हैं अलरनाथ में, तो अलरनाथ भी लेके चलेंगे आपको अगले ही दिन, ठीक है। और नील माधव के भी दर्शन इस बार पेंडिंग है, नील माधव भी मैं आपको लेके जाऊंगा। सो दिस इज़ योर वेरी ओन GKD गोविंद कृष्णदास। जाने से पहले भगवान जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र गा लेते हैं। समवन इज जस्ट शोइंग मी कि इस समय यहाँ पर लाइव चल रहा है। प्रभु जी हाउ स्वीट, थैंक यू। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। देव देव जगन्नाथ प्रवनरति विनाशनम् त्राहि मां पुंडरीकाक्षम् पतितं भवसागरे। जय देवी भक्तिदात्री प्रसद्दती परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि मुझसे कोई गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं भी मूर्ख हूँ, मैं भी दास हूँ, प्रयास कर रहा हूँ सेवा करने की। दैट्स इट फॉर टुडे। पतित पावन जी के दर्शन कर लीजिएगा। कल मिलेंगे हम सुबह 9 बजे। जय जगन्नाथ। चलो सब आ जाओ एक बार। ये मेरा क्यूट पांडा। जय जगन्नाथ। नाम बताइए। बट कृष्णा। नाम बताइए। प्रतीश प्रभु। नाम बताइए प्रभु। सुमित यादव। नाम बताइए। अमरनाथ जी बताए। अमरनाथ जी है वहाँ पर। अमरनाथ जी की जय हो। आपका नाम बताइए। रफिकांत। क्या बात है। और हमारे शांति भाई, इज वेरी स्वीट। ऑल ऑफ देम हैव बीन हेल्पिंग मी अ लॉट। बर्थडे बॉय। ओह, इट्स हिज बर्थडे टुडे। यस, शांति प्रभु को आप जो हमेशा बहुत शांति में रहते हैं, आज इनका जन्मदिन है। प्रभु क्या सौभाग्य, जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे बर्थडे बॉय आप यहाँ पर खड़े हैं। सो एवरीवन कैन विश हिम बर्थडे विशेज एंड जय जगन्नाथ लिख दीजिए। ही इज स्टैंडिंग लॉर्ड जगन्नाथ प्रसाद। बर्थडे बॉय को पता है किस चीज़ के साथ रहना है। बिल्कुल स्मार्ट है हमारे शांति भाई। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रसाद जी का भी आप दर्शन कीजिए। प्रभु ऐसे तो आपको जाने देंगे नहीं, एक तो बार खा लेंगे। जय जगन्नाथ। अरे शांति भाई ने अपनी शक्ल दिखा दी बर्थडे बॉय। अच्छा, बर्थडे बॉय को इससे बढ़कर क्या हो सकता है बर्थडे पे मिलने के लिए। जगन्नाथ प्रसाद खिलाते हैं सभी बर्थडे बॉय को। विशिष्ट करेंगे 3 बार जय जगन्नाथ बोल के, है ना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। सर में पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पतित पावन जी के दर्शन कराना एक बार। जय जगन्नाथ। पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन। आहा, पतित पावन जय जगन्नाथ, अपराध क्षमा करो जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ सहारा बन जाओ। आई होप आपको ये फेसबुक लाइव सेशन माइंड ब्लोइंग अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप दर्शन के लिए आएंगे। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलें, जब कोई आएगा दर्शन करने के लिए उनको ये सारी बातें याद होंगी। नील चक्र ध्वजा, अरुण स्तंभ है ना, पतित पावन और कई सारी बातें मैंने आपको बताई। जय जगन्नाथ। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू कम। हरे कृष्णा। और मेरे को याद दिला दिया मेरे भाई ने #GK। जय जगन्नाथ।